बॉयकॉट ट्रेंड के बीच जिस तरीके से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र को उतारा गया था, उसके बाद यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसका हाल भी रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा जैसा ही होने वाला है। जिस तरीके से ऑडियंस ने नकार दिया था रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा को, उसके बाद ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को कहीं न कहीं ये डर सता रहा था कि कहीं फिल्म का हाल भी वैसा न हो जाए। लेकिन रणबीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र थिएटर में जिस तरह से कमाई कर गई, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वीकेंड पर कमाई के रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रह्मास्त्र हफ्ते के कामकाजी दिनों में काफी धीमी पड़ गई और बीते सोमवार से पहली बार इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ के आंकड़े से नीचे चला गया। मंडे से थर्सडे तक आते आते ब्रह्मास्त्र की कमाई गिरती ही रही और थर्सडे को फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 230 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। मगर शुक्रवार यानी कि आज ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर बड़ा खेल करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मना रही है और इसीलिए देश भर की 4000 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर टिकट की कीमत सिर्फ 75 रुपए रखी गई है। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, मौनी रॉय और अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म ने 12 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग की है। इस हिसाब से ब्रह्मास्त्र एडवांस बुकिंग के मामले में न सिर्फ अपना रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि ओपनिंग डे को छोड़कर हफ्ते के किसी भी दिन में एडवांस बुकिंग करने का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि MIA 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मना रहा है। इस मौके पर देश भर में 4000 स्क्रीन्स पर जिनमें PVR, सिनेपोलिस, कार्निवल, मिराज, सिटी प्राइड, एशिया समेत कई सारे थिएटर्स शामिल हैं। इन सभी थिएटर्स में फिल्म को देखने की जो टिकट होगी वो सिर्फ 75 रुपए में होगी। तो इसी के साथ रणबीर कपूर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एडवांस बुकिंग में 12 लाख से ज्यादा की टिकटें बुक हो चुकी हैं, क्योंकि सिनेमा डे पर लोग ब्रह्मास्त्र को देखना चाहते हैं। इन टिकटों की बिक्री से ये बात तो साफ हो चुकी है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र ने 13 दिनों में देश में तकरीबन 250 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिल्म ने हिंदी वर्जन में जहां 205 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया तो वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने तकरीबन 354 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ऐसे में ब्रह्मास्त्र इतना ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है और एक साथ ये जिस तरीके से टिकटों की बिक्री हुई है एडवांस में 12 लाख से ज्यादा, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बॉयकॉट ट्रेंड के बीच रणबीर और आलिया की फिल्म को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन सभी चीजों को भी फिल्म ने दूर कर दिया है। ब्रह्मास्त्र में रणबीर और आलिया की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और फिल्म को हिट कराने में जो सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है वो है ऑन स्क्रीन आलिया और रणबीर की जोड़ी। फिल्मी पर्दे पर पहली बार रणबीर और आलिया एक साथ नजर आए और दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई। अगर आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र को नहीं देखा है तो एडवांस बुकिंग करा लीजिए। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।